जय गजानन आता डिस्काउंटेड चा आपण एक्झाम्पल पाहू डिस्काउंटेड ऑन फर्स्ट जून टू थाउजंड नाईन्टीन प्रताप सोल्ड गुड्स टू सुजित वर्थ रुपीज टेन थाउजंड सुजित एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय प्रताप प्रतापनी जी बिल ड्रॉन केलं सुजीत ने एक्सेप्ट किया प्रताप ने जो भी बिल ड्रॉन किया सुजीत के ऊपर वो सुजीत ने एक्सेप्ट किया टेन थाउजेंड का ही बिल उसने ड्रॉन किया जितने रुपए का गुड्स सेल किया उतने रुपए का ही उसने गुड्स सॉरी बिल किया वही बिल उसने एक्सेप्ट किया फॉर थ्री मंथ पीरियड ऑफ बिल क्या है थ्री मंथ है तीन से बिल है प्रताप डिस्काउंटेड विथ बैंक प्रताप डिस्काउंटेड विथ बैंक एट टेन परसेंट पर एनम ऑन द सेम डे उसी दिन प्रताप ने ये जो बिल है ये बिल डिस्काउंट किया अपने बैंक में at 10% पर annum के हिसाब से मतलब इंटरेस्ट टेन परसेंट उसके ऊपर लगेगा per annum के हिसाब से उसी दिन प्रताप ने अपने बैंक में ये बिल क्या किया डिस्काउंट किया तो यही पॉइंट हमें यहाँ पर देखना है शुरुआती पहला ट्रांजेक्शन का है, है गुड्स सेल के एक्सेप्ट के लिया चा, नंतर डिस्काउंटेड केल्याचा ठीक आहे नंतर कुठला आला डिस्काउंटेड केल्याचा आता ऑन डेट काय झालं यांनी सांगितलेलं नाही आहे ऑन डिवडेड काय झालं यांनी सांगितलेलं नाही आहे मग ड्यूडेटच्या दिवशी काय झालं सांगितलं नाही त्यामुळे आपल्याला एंट्री करायची आवश्यकता नाही जर त्यांनी सांगितलं असतं की ऑन डिवडेड बिल ऑनर्ड बाय सुजित तर आपण एंट्री केली असती ऑन डेट क्या हुआ इसने कुछ बताया नाही ड्यू डेट की एंट्री करने की जरूरत नाही आहे तीन ही एंट्री यापर एक बिल सॉरी गुड सेल किया दूसरी एक्सेप्ट किया और तीसरी डिस्काउंट किया गिव द जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ प्रताप एंड सुजीत गिव द जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ प्रताप एंड सुजीत सबसे पहले हम लोग प्रताप के बुक में देखने वाले हैं इन द बुक ऑफ प्रताप नीचे लिखना है जर्नल एंट्रीज डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट दिशी वेरी गुड अभी सबसे पहले क्या हुआ ये सुजीत और ये प्रताप प्रताप ने सुजीत को गुड्स सेल किया प्रताप ने सुजीत को गुड्स सेल किया ये पहला वाला ट्रांजेक्शन हो गया प्रताप ने सुजीत को गुड्स सेल किया तो सुजीत के पास में गुड्स गया इसका मतलब सुजीत रिसीव रिसीव करने वाला पर्सन है रिसीव करने वाला पर्सन सुजीत और गिव करने वाला पर्सन प्रताप रिसीव करने वाला पर्सन सुजीत है इसलिए रिसीवर का अकाउंट हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट का रोल डेबिट द रिसीवर और इसने गुड सेल किया तो सेल का अकाउंट क्या होगा क्रेडिट तो एंट्री यहां पर क्या बन जाएंगी सुजीत अकाउंट डेबिट टू प्रताप सॉरी सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट तो प्रताप के बुक में हमने एंट्री किया सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट पहली वाली एंट्री फिर उसके बाद में प्रताप ने एक बिल ड्रॉन किया और यह बिल सुजीत के पास में भेजा इसके ऊपर इसने सिग्नेचर किया और यह बिल वापस प्रताप के पास में भेज दिया तो जब बिल ड्रॉ किया वो एंट्री नहीं होंगी लेकिन जब इसने साइन करके एक्सेप्ट करके वापस किया वो एंट्री होंगी <laughs> बिल एक्सेप्टेंस एक्सेप्टिस की एंट्री प्रताप के बुक में बिल इसके पास में आ जाएगा मतलब बिल रिसेबल आ रहा है किसके पास से आ रहा सुजीत के पास से तो सुजीत गिवर है इसमें सुजीत गिवर तो गिवर का अकाउंट हम लोग क्या करते हैं क्रेडिट बिल रिसेबल डेबिट और सुजीत अकाउंट क्रेडिट दूसरा वाला ट्रांजेक्शन फिर तीसरा क्या हुआ इस प्रताप ने क्या किया इसको डिस्काउंटेड किया डिस्काउंटेड मतलब बैंक में गया और उसके बदले में पैसे लेकर आया उसी दिन तुरंत मतलब ये सब ट्रांजैक्शन फर्स्ट ऑफ जून को हुए है। फर्स्ट जून लगे ट्रांजैक्शन फर्स्ट जून लिख विक, वस्तु विकलिया गुड सेल के दिवसी बिल एक्सेप्टिस दिवसीय आणि त्याच दिवशी बिल डिस्काउंट केलेलं आहे तो डिस्काउंट केलं कुठे बँकेमध्ये ते आपण नंतर पाहू सुरुवातीला पहिला दोन एंट्री करून घ्यायचे आहेत इन द बुक ऑफ प्रताप इन द बुक ऑफ प्रताप फर्स्ट वाली एंट्री फर्स्ट जून टू थाउजंड फर्स्ट जून टू फर्स प्रताप ने गुड सेल किया सुजित को सुजीत रिसीवर है तो सुजीत अकाउंट डेबिट होगा और सेल अकाउंट क्रेडिट बाय सुजीत अकाउंट डेबिट बाय सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बाय सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट नरेशन क्या आएगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टेन थाउजेंड ये पहले वाली एंट्री हो गई और उसके बाद में बिल एक्सेप्टेंस रिसीव्ड हो गया सुजित के पास से साइन करके बिल अपने पास में आया प्रताप के पास में बिल आया है प्रताप के लिए बिल क्या है रिसेबल बिल्स रिसेबल तो बिल रिसेबल इन हो गया ये आसेट इन हो गई तो आसेट जब इन होती है तो क्या करेंगे हम लोग डेबिट करेंगे डेबिट वार्ड कम्स इन रियल अकाउंट का रूल डेबिट वार्ड कम्स इन तो बिल रिसेबल अकाउंट क्या होगा डेबिट और सुजीत गिवर है तो गिवर का अकाउंट क्रेडिट दूसरी वाली एंट्री उसी तारीख को फर्स्ट जून बाय बिल्स रिसेबल अकाउंट डेबिट टू तो सुजीत अकाउंट बीइंग थ्री मंथ एक्सेप्ट रिस्युड बिंग थ्री मंथन रिस्युड बिईंग थ्री मंथन टेन थाउजंड इथपर्यंत काहीच अडचण तुम्हाला येणार नाहीये कारण या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये आपण ह्या दोन एंट्री व्यवस्थित समजून घेतल्या होत्या आता तिसरं या प्रतापने काय ट्रान्झॅक्शन केलेलं आहे प्रतापने ते बिल घेतलं आणि आपल्या बँकेत गेला बैंक जाऊन बिल डिस्काउंट कर डिस्काउंट बिल बैंके कैसे घंक बैंक ने तीन महीनों पूर्वी या पैसे दिल बिफोर थ्री मंथ बैंक ने इसको पैसे दिया तो बैंक कुछ ना कुछ रखेंगी तो जो कुछ भी रखेंगी वो है इसके लिए इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट कितना परसेंट रखने वाली है टेन परसेंट पर एनम मतलब साल का टेन परसेंट तो यहां पर तीन महीने पहले ही इसने बिल डिस्काउंट किया तो तीन महीने का ही इंटरेस्ट लगने वाला है क्योंकि साल का टेन परसेंट बोला है तो यहां पर तीन महीने ही हो okay, गए तीन महीने के पहले ही इसने बिल डिस्काउंट किया तो तीन महीने का इंटरेस्ट यहां पर लगने वाला है तो तीन महीने का इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेट कैसे करते हो देखते यहां पर बिल के अमाउंट है टेन थाउजेंड और रेट ऑफ इंटरेस्ट है टेन परसेंट पर एन एम पर एन एम और हमें पीरियड ऑफ बिल देखना है थ्री मंथ का है तो पीरियड ऑफ बिल थ्री मंथ का है लेकिन उसने डिस्काउंट कब किया यह भी देखना है डिस्काउंट कब किया उसने ऑन सेम डे ऑन सेम डे सेम डे मतलब फर्स्ट जून को ही उसने डिस्काउंट किया मतलब थ्री मंथ बिफोर ही उसने डिस्काउंट किया तो तीन महीने का इंटरेस्ट हमें निकालना होगा तीन महीने का इंटरेस्ट निकालना होगा अभी इसके ऊपर अगर पूरे साल का इंटरेस्ट निकाला जाए तो इसका टेन परसेंट सीधा सीधा टेन परसेंट टेन थाउजेंड मल्टीप्लाई बै टेन अपॉन हंड्रेड टेन थाउजेंड मल्टीप्लाई बै टेन अपॉन हंड्रेड तो कितना आने वाला है वन थाउजेंड ये वन थाउजेंड पूरे साल का है पूरे ट्वेल्व मंथ का है हमें चाहिए थ्री मंथ का पूरे साल का आ गया वन थाउजेंड हमें चाहिए थ्री मंथ का वन थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय थ्री अपॉन ट्वेल्व वन थाउजेंड मल्टीप्लाय बाय थ्री अपॉन ट्वेल्व थ्री वन जा थ्री थ्री फोर जा ट फोर टू जाट फोर टू जाट फोर फाइव जा ट्वेंटी और बचा जीरो टू फिफ्टी थ्री मंथ का इंटरेस्ट आ गया टू फिफ्टी थ्री मंथ का इंटरेस्ट आ गया अभी बैंक क्या करने वाली है ये जो 250 अमाउंट आ गई इंटरेस्ट की ये अमाउंट माइनस करके तुम्हें पैसा देगी ये अमाउंट माइनस करके तुम्हें पैसा देने वाली है बैंक तो 10,000 में से 250 माइनस हो गए कितने बचेंगे 9,750 ये आपके पास में कैश आने वाली है बैंक के पास से या फिर बैंक सीधा आपके अकाउंट में जमा कर देंगी मतलब बैंक में पैसा जमा हो जाएगा मतलब कैश आएंगे या फिर बैंक के अंदर सीधा पैसा जमा हो जाएगा तो कैश पब्लिक बैंक तुम्हारे पास में आ गई नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी और ये इंटरेस्ट तो इसको इंटरेस्ट ना बोलते यहां पर हम लोग डिस्काउंट बोलेंगे डिस्काउंट तो डिस्काउंट बैंक ने निकाल लिया टू फिफ्टी ये हमारे लिए एक्सपेंस हो गया क्या ये हमारे लिए एक्सपेंस और उसके बाद में मेरे पास से बिल टेन थाउजेंड का गया बिल की अमाउंट कितनी थी टेन थाउजेंड तो टेन थाउजेंड का बिल मेरे पास से गया तो यहां पर यह जाने वाली असेट है आउट हो गई असेट ये असेट इन हो रही और ये यह एक्सपेंस यहां पर एक्सपेंस हो गया तो जो असेट आउट होती है उसको हम लोग क्या करेंगे क्रेडिट जो असेट इन होती है उसको डेबिट और जो एक्सपेंस है उसको डेबिट मतलब कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और बिल रिसेबल अकाउंट क्रेडिट एंट्री बन जाएंगी डिस्काउंटेड की एंट्री उसी तारीख को फर्स्ट जून बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट बाय डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसेबल पूरा लिखना है बिल्स रिसेबल अकाउंट टू बिल सीसेबल अकाउंट कैश पब्लिक बैंक कैश और बैंक कितने आएंगी नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी और डिस्काउंट गया टू फिफ्टी थ्री मंथ का हमने जो निकाला था और टोटल बिल की अमाउंट है टेन थाउजेंड बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक एट टेन परसेंट पर एनम

उसको हमने डिवाइड किया ट्वेल्व से फिर मल्टीप्लाई किया थ्री से तीन महीने का निकालना था तीन महीने का ही क्यों निकाला क्योंकि बिल का पीरियड है मंथ मंथ बिल बिल का पीरियड कितना दिया 3 मन, और उसने जिस दिन दिन एक्सेप्टेंस किया किया उसी दिन उसको सेम सेम डे डे ऑन इसको डिस्काउंट तो बिफोर थ्री मंथ उसने डिस्काउंट किया बिफोर थ्री मंथ उसने डिस्काउंट किया इसीलिए थ्री मंथ का ही इंटरेस्ट बैंक लेने वाली है बैंक डिडक्ट करने वाली है थ्री मंथ का इंटरेस्ट तो उस इंटरेस्ट को हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे डिस्काउंट बोलेंगे डिस्काउंट तो ये डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस हो गया तो कैश मेरे पास में आ गई असेट या फिर बैंक में पैसा जमा होगा बैंक रिसीवर है इसलिए कैश पब्लिक बैंक अकाउंट हमने क्या किया डेबिट और डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस हो गया इसलिए एक्सपेंस का अकाउंट हम लोग क्या करते हैं डेबिट करते हैं और उसके बाद में बिल मेरे पास से आउट हो रहा है तो इसलिए बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट एंट्री बन गई कैश पब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और अकाउंट क्रेडिट और डिविडेट के दिन क्या हुआ इसने कुछ बताया नहीं इसलिए हम लोग आगे नहीं जाएंगे यहां पर एग्जाम्पल खत्म होता है सिर्फ प्रताप के बुक में एंट्री इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे इन द दे बुक ऑफ सुजीत इन द बुक ऑफ सुजीत ओके एग्जाम्पल तेजा है ऑन फर्स्ट जून 2019 प्रताप सोल्ड गुड्स टू सुजीत पहिलं ट्रान्झॅक्शन काय झालं आपण आता सुजित आहे आपण कोण आहे सुजित पहिलं ट्रान्झॅक्शन आपण काय केलेलं आहे गुड्स परचेस केला आपण कोणाकडून परचेस केला प्रताप कडून हा प्रताप आहे या प्रतापने आपल्याला गुड सेल केला म्हणजे आपण काय केला परचेस केला हा सुजित आहे या सुजितने या सुजितने काय केलं गुड्स परचेस केला सुजितने काय गुड्स परचेस किया किसके पास से परचेस किया प्रताप के पास से तो प्रताप कौन होगा यहाँ पर गिवर और हमने गुड्स क्या किया परचेज तो यहाँ पर जनरल एंट्री क्या आएंगे बाय गुड्स परचेस अकाउंट डेबिट टू प्रताप अकाउंट बाय गुड्स परचेस अकाउंट डेबिट टू प्रताप उसके बाद में प्रताप ने एक बिल ड्रॉ किया हमने उसके ऊपर सिग्नेचर करके एक्सेप्ट किया और वापस किसको भेज दिया प्रताप तो प्रताप के पास में बिल चला गया प्रताप रिसीवर है प्रताप कोण हो इसमें रिसीवर प्रताप झाला रिसीवर आपल्याकडून बिल गेलं त्या बिलाच्या बदला आपल्याला पैसे द्यावे लागतील बिल हमारे लिए क्या है वो बिल्स पेबल बिल्स पेबल तो ये बिल हमारे पास से गया आउट हो गया बिल बिल्स पेबल हमारी लाईबिलिटी क्रिएट हो गई तो जब भी लायब्रेरी क्रिएट या फिर होयब्रेरी इनक्रीज होती है हम क्या करते क्रेडिट हो? जेव्हाही आपली लायब्रेरिटी इन्क्रीज होणार तेव्हा तेव्हा आपण त्याला काय करतो क्रेडिट करतो लायब्रेरी जर इनक्रीज होत असेल लायब्रेरी जर वाढत असेल तर आपण त्याला काय करतो क्रेडिट करतो आणि बिल कोणाकडे गेलो प्रतापकडे प्रताप तो प्रताप रिसीवर का अकाउंट हम लोग क्या करेंगे डेबिट दुसरी वाली सेम एंट्री पर क्या होगी रिसीवर का नाम डेबिट प्रताप अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट बाय प्रताप अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल दूसरे नंबर की फिर तीसरा वाला यहां पर क्या हो गया प्रताप डिस्काउंटेड विद बैंक एट पर एनम प्रताप डिस्काउंटेड बैंक बिल डिस्काउंट किसने किया प्रताप ने बिल डिस्काउंट किसने किया प्रताप ने सुजीत ने कुछ किया हमने कुछ किया उसमें कुछ भी नहीं किया हमने सिर्फ इतना ही किया बिल लिया, किया एक्सेप्टेंस उसको भेज दिया साइन करके उसको भेज दिया हमने एक्सेप्ट करके उसको भेज दिया प्री डिस्काउंटिंग का जो भी ट्रांजैक्शन है ये किसने किया प्रताप ने ये हमने किया क्या नाही आपण केलं का के हे सुजीतने केलं का नाही केलं हे सगळं प्रतापने केलं त्यामुळे आपल्या बुक मध्ये एंट्री होणार नाही याची आपल्या बुक मध्ये या डिस्काउंटिंग ची एंट्री होणार नाही कारण डिस्काउंटिंग कोणी केलं प्रतापने केलं आपण केलेलं नाही आहे त्यामुळे आपण इथे एंट्री करणार नाही डिस्काउंटिंग ची मला डिवडेटच्या दिवशी काय झालं यांनी सांगितलंच नाही मग त्यामुळे डिवडेट ची एंट्री मला करायची आवश्यकता नाहीये म्हणजे फक्त दोनच एंट्री झाल्या एक परचेसची अशा दोन एंट्री फक्त बुक मध्ये झाला डिस्काउंटिंगची एंट्री नाही केली का नाही केली कारण डिस्काउंटिंग करण्याचं काम कोणी को केलेलं आहे प्रतापने केलेलं आहे आपण सुजितच्या बुकमध्ये आहे सुजितच्या बुकमध्ये ही एंट्री होणार नाही मग पहिली एंट्री काय झाली परचेस अकाउंट डेबिट टू प्रताप अकाउंट तारीख फर्स्ट जून टू नाइनटीन बाय परचेस अकाउंट डेबिट टू प्रताप अकाउंट बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट बीइंग परचेस ऑन क्रेडिट टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड उसके बाद में उसी तारीख को हमने क्या किया गिव किया फर्स्ट जून गिव किया तो हमारे पास से बिल किसके पास में गया है प्रताप के पास में प्रताप रिसीवर है तो प्रताप का अकाउंट क्या होगा डेबिट बाय प्रताप अकाउंट बाय प्रताप अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट टू बिल्स पेबल अकाउंट बाय प्रताप अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट बील बींगे थाउजंड इधे एंट्री अपने संपर्क ड्यू डेट ची एंट्री त्यांनी सांगितलेली नाहीये त्यामुळे आपण ती इथे केलेली नाही जर त्यांनी सांगितलं असतं तर आपण ड्यू डेट ची एंट्री सुद्धा केली असती इथे एवढं एक्झाम्पल त्यांनी सांगितलेलं ते आहे तेवढंच आपण केलं ड्यू डेट ची काही माहिती दिलेली नाही आहे समजलं एंट्री हरकत नाही